समिता जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कैसे कहे के बारे में. बहुत ही अनयूजुअल सा टाइटल है. पहले टाइटल के बारे में बताइए, कैसे सजेशन दिया टाइटल के बारे में, कैसे रिकमेंड किया गया. टाइटल बस स्टोरी सुन के मेरे दिमाग में आया कि इसको इसको कहा जाए, कैसे कहे, क्योंकि इस फिल्म के दौरान फिल्म में जो बातें हैं कई बार हम कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते. जो कैरेक्टर्स उसमें हैं, जो कई बातें उसमें उस दौरान कहने की ज़रूरत होती है लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि ये टाइटल बहुत अट्रैक्टिव होगा. जो कि इसमें काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि कौन से इससे जुड़ा हुआ ये टाइटल. मेरे ख्याल से टाइटल हैज़ टू बी लिटिल कैची एंड शॉर्ट एंड स्वीट, सो आई थिंक पीपल शुड गेट अट्रैक्टेड after reading the title. Okay, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा जोखिम आपने उठाया है नए स्टार कास्ट को लेकर के, डायरेक्टर को लेकर के, तो मतलब कैसे सौरभ किया आपने सारी चीज़ों को, किस तरह से मैनेज किया कि नए लोग हैं, नए लोगों के साथ काम करना, हाउ डू यू मैनेज. मैंने एक तय किया था कई साल पहले. मैंने एक सिनेमा पीपल्स एकेडमी करके फॉर्म की है जिसमें कई बार कई बच्चे आके मुझे ऑडिशन देके गए थे. उनको बहुत नज़दीक से मैंने देखा है और उनकी जद्दोजहद, उनके पैशंस, उनके परसिवरेंस मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा है. तो मैंने उसी वक्त तय किया था और डिक्लेयर भी किया था कि मैं एक फ़िल्म ज़रूर बनाऊँगी न्यू कमर्स के साथ. और जो कि आई वॉज़ सर्चिंग फॉर द गुड सब्जेक्ट ऑल्सो. उसी दौरान ये लड़का जिसको जो मेरे पास आया था, उसने सभी लड़कों में से वो लड़का मुझे एट प्रेजेंट, यू नो, पर्सनालिटी वाइज, टॉकिंग वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज उसको अच्छा लगा. तो मे बी आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉय. फिर बाद में मैंने यही सोचा कि जो होगा देखा जाएगा. मैंने प्रोजेक्ट बना दिया नए डायरेक्टर्स को. देन ऑफकोर्स मैंने सहारा को अप्रोच किया. मैंने कहा ये फिल्म हमको बनानी है और हम आज तक आप मुझे सहारा साथ देते आए हो तो डेफिनेटली इस वक्त भी करना है. और सहारा भी काफ़ी माना जाता है जो समाज में अच्छा काम करता है. और इस फिल्म से काफ़ी जिंदगियां शुरू हो जाएगी. तो मैंने कन्विंस की स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी, उनको भी अच्छी लगी. और दादा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सुब्रतो जी का, कि उन्होंने मुझे साथ दिया मेरा ये सपना पूरा करने के लिए. तो बस इसी तरह से कैसे कहे की शुरुआत हो गई. चलिए हम दुआ करते हैं जो आपने जो कॉम्पिटिशन खोला है, एकेडमी खोला है, और भी बहुत सारे लोगों को मौका मिले. इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, इस फिल्म के स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा. जो बेसिक प्लॉट होता है, व्हाट इज द बेसिक प्लॉट अबाउट? बेसिक इन वन लाइन, करियर वर्सेस लव. इट्स आजकल की पूरी जो आप सभी की जिंदगी से जुड़ी होगी. आप सभी रिपोर्टर्स हैं, आपकी ज़िंदगी कितनी जद्दोजहद, कितनी भागा दौड़ी में जाती है पूरे सुबह से शाम तक. आपको अपनी पर्सनल लाइफ में शायद वक्त देने को नहीं मिलता. प्यार सभी करते हैं, सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई लड़की आती है, प्यार मिलता है, लेकिन कुछ वजह से वो भी काम करती है, आप भी काम करते हो, तो उसमें शायद एक दूसरे को मिलने का मौका या समझने का मौका नहीं मिलता. प्यार ज़रूर होता है लेकिन कहाँ किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए या दोनों को बैलेंस रख के कैसे एक दूसरे के साथ चलना है, वो हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है. और आजकल की ज़िंदगी में, इतनी फास्ट लाइफ में, प्यार थोड़ा बहुत कहीं पीछे रह जाता है. तो उसको, प्यार बहुत ज़रूरी है हर एक की ज़िंदगी में और वही हमको सबको एनर्जी देता है काम करने के लिए. एक मुकाम में पहुंचने के बाद अगर आप अकेले हो, आपके साथ कोई ना हो, आपका प्यार साथ में ना हो, तो फिर
फायदा नहीं है, तो यही हमने दिखाने की कोशिश की है। जैसे आपने बताया कि जसवीर को जो आपने अपने एकेडमिक से चुना है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ इनपुट्स तो जरूर होगा फिल्म में, तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट्स मेरे 1000% है, क्योंकि इस फिल्म में न्यू कमर्स की पूरी टीम है, इसलिए मैंने पूरा अपने आप को 100% दिया है इसमें। और राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पहले दिन से मैं सेट पे हाजिर रही और हर एक एरिया में मैंने अपने इनपुट्स डाले हैं, जो कि डायरेक्टर्स के साथ भी मैं पूरा मॉनिटर के सामने बैठ के एक एक सीन हमने डिस्कस करके दोनों एक्टर और एक्ट्रेस से जितनी अच्छी निकाल सकते अपनी हमने कोशिश की है। और एंड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा आया है, दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो कि ये फिल्म में है ना, नए कमर्स न्यू कमर्स को के लिए जो फिल्म बना ली जाती है यूजुअली, तो वैसी फिल्म नहीं है। इसमें काफ़ी एक्टिंग का मौका है, काफ़ी मिस हीरोइन को भी एक्टिंग का मौका है, तो हम चाहते थे कि इन्होंने लोग ये ना बोले कि अरे चलो इसको इतनी इसने ठीक है, इतना कुछ खास नहीं आया, इसलिए हमने काफ़ी वर्कशॉप भी किए। 4 महीने हम दोनों को वर्कशॉप एक्टिंग ये पर्टिकुलर रोल के लिए, तो दोनों ने बहुत अच्छी मेहनत की, जो कि रिज़ल्ट हमारे सामने, मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से। मैं जो मैंने चाहा था न्यू कमर्स से, उम्मीद की थी, उसे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इस फिल्म देखने के बाद ये ज़रूर कहेंगे कि ये न्यू कमर की फिल्म नहीं लगती, इट्स वेरी मैच्योर्ड एंड वेरी नाइस क्लीन फिल्म, जिसमें आपको 75% हमने लंदन में शूट किया है, तो काफ़ी लंदन भी देखने को मिलेगा, तो मेरे ख्याल से सभी को जाके थिएटर में देखना बहुत ज़रूरी है।